हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज है सैटरडे नाइट और हम बनाने जा रहे हैं पोहा कचौड़ी। जी हाँ, हस्बैंड की फरमाइश पे फरमाइश है कि पोहा की कचौड़ी खाना है, क्योंकि हम 11 तारीख से अपना डाइट प्लान शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले इनकी फेवरेट चीज़ इनको खिलानी पड़ेंगी। बनाने जा रहे हैं पोहा कचौड़ी, तो चलिए रेसिपी आप लोगों के साथ भी हमने सोचा शेयर कर लूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ पोहा कचौड़ी। चलिए फिर देखते हैं। पोहा कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू चाहिए होंगे। आलू को धोकर हम कुकर पे चढ़ा देंगे और एक गिलास पानी डालकर कुकर को बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑन करके कुकर पे चढ़ा देंगे। 4 से 5 सीटी आने देंगे, हमारी बॉईल होंगी और तब तक हम मोटा पोहा जो थिक पोहा आता है उसको भिगो कर रख देंगे। अब हम मटर उबालने के लिए रख देंगे। इसको हम 5 से 7 मिनट तक ही उबालेंगे बस। अच्छे से 10-15 मिनट के लिए भिगो के रखना है, तो फूल गए अच्छे से। अभी इनको हम मैश कर देंगे हाथ से ही। अब इन्हें अच्छे से गूंथ लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे। आटे जैसा बनाना है हमको। अच्छे से फूल जाता है तो अच्छे से गूंथते बन जाता है। और 1 टेबल टीस्पून इसमें नमक हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और गूंथ कर तैयार कर लेंगे। सेट होने के लिए रख देंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। तड़के के लिए जीरा और कसूरी मेथी इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल टीस्पून जीरा डाल देंगे और 1 टेबल टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टेबल टीस्पून हल्दी डालकर चला देंगे और उबले हुए आलू मैश करके डालते जाएंगे। बड़े टुकड़े ना रह जाए चाहे तो आप मैशर का इस्तेमाल कर लीजिए या हाथ से ही मैश कर लीजिए। उबली हुई हरी मटर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे सबको। 1 टेबल हाफ टेबल टी स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल टी स्पून धनिया पाउडर, 1-2 टेबल स्पून नमक। तीखा और नमक आप अपने स्वादानुसार ही रखिएगा, कम या ज़्यादा। और धनिया, हरी धनिया पत्ती, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बड़े टुकड़े बिल्कुल भी ना रह जाएं, चाहे तो आप मैसर ले सकते हैं। 1/2 टेबल टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस ज़रा सा फ्लेवर आना चाहिए उसमें। और हम इस थाली में बाहर निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देंगे। और तब तक हम इधर अपनी टमाटर की चटनी तैयार कर लेंगे। पोहे की कचौड़ी टमाटर की चटनी से ही अच्छी लगती है। 3 से 4 टमाटर और धनिया हरी पत्ती, 3 से 4 हरी मिर्च, तीखा अपने अनुसार रखिएगा, 1 से 2 कर सकते हैं हरी मिर्च, 2-3 लहसुन की कलियाँ और 1 टेबल टीस्पून नमक डालकर ग्राइंड कर लेंगे। पोहे की कचौड़ी को बेल कर तैयार कर लेंगे। ये लिए हमने लोई बनाई और आगे आटा लगा कर लोई बेल लेंगे। छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। लोई की बिल्कुल गोल कर लेना है, चिकना पेड़े जैसा बना लेना है। चार पांच हम इकट्ठे ही बेल कर तैयार कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा बेल कर भरने में टाइम लगता है, क्योंकि टूटने का डर रहता है, इसे थोड़ा चिकना ही कर देना ढंग से। और इसमें स्टफिंग भर देंगे, संभाल के ऐसे करते रहना है। इसको अच्छे से बंद करके सूजी से इसकी कोटिंग कर देंगे ऊपर। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में अगर सूजी से आप इसकी कोटिंग करें तो।
अभी हम दूसरी भी बेलकर तैयार कर लेंगे और दूसरी भी वैसे ही स्टफिंग भर के, खुली ना रह जाए बिल्कुल भी, ऐसे बंद करके और सूजी से इसकी कोटिंग कर लेंगे। ऐसे बेलना नहीं है, भरने के बाद बिल्कुल भी बेलना नहीं, हाथ से ही ऐसे प्रेस करके छोटी छोटी कचौड़ी बनाना है। ऐसे ही अपनी 4-5 कचौड़ी हम बेल कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब इनको हम फ्राई करने के लिए, डीप फ्राई करेंगे, इसलिए फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और हाई फ्लेम पे ही इसको पकाना है स्टार्टिंग में, फिर आप मीडियम फ्लेम में इनको धीरे धीरे पकते रहना है। मीडियम फ्लेम में ही पकाना है इनको, नहीं तो जल सकती हैं। ये देखिए थोड़ा टाइम लगता है इनको पकने में, फिर छन्नी से छान कर निकाल लेंगे और बाकी कचौड़ियाँ भी इसी तरह से डीप फ्राई करेंगे। ये लग चुकी है प्लेट और मैं देने जा रही हूँ अनु को। जी हाँ, उनकी फरमाइश में बन रही है पोहे की कचौड़ी। ये देखिए बैठे रजाई के अंदर ठंडे, क्या देख रहे हैं? ओ तुमने बताते तो हम तो जान ही नहीं पाते तुम इंडियन आइडल देख रहे हैं। कैसे कैसे ये देखो हो। कितने दिनों बाद बनाई? यम्मी। कितने दिनों बाद बनाई? ओए हेलो, इतना भी नहीं है। बनाते जाओ और हम काफी आनंदित हो गए वो लगता है। सैटरडे को पोहे की कचौड़ी, रजाई, इंडियन आइडल और कल सुबह देर तक सोना। वाव, खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। मैं खुशी का ठिकाना है कहाँ? क्या खुशी वहां रहती है ना? राजपुर रोड पे। पल्लो भैया आप भी बजा दो, पल्लो नहीं है तो। ये चलिए गाइस इनको ज्वाइन कर लीजिए, इनके साथ खा लीजिए थोड़ा सा। लगता तो नहीं है किसी को देने वाले। चलिए मेरे वाले में खा लेना आप लोग। मेरे को फुल प्लेट लगा के दिया है, चलिए देखते हैं उनका रिएक्शन क्या है। भैया बिना पूछे ही बता रहा है ये। अनु और ना है ये तो किसी की तरफ देख ही नहीं। नाटक सबसे ओरिजिनल यूनिक परफॉर्मेंस है। तो चलिए गाइस आज के वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। बंद करें ये भी।